Hi guys, good morning, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me again, Arpita. तो कुछ दिनों से मेरी लाइफ बहुत 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 ज्यादा हेट्रिक चल रही है. रोज घर से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए स्किन का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, बॉडी का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ एंड इस वजह से बॉडी बहुत ज्यादा टैन भी हो गई है. चलो कोई ना, बट आज मैंने खुद के लिए टाइम निकाला है. आज मैं सेल्फ केयर करूंगी, खुद को पैम्पर करूंगी एंड अपने लिए ढेर सारी शॉपिंग भी करूंगी, क्योंकि आज लगने वाला है जारा के स्टोर पे सेल. एंड आई थिंक एवरीबॉडी नोज हाउ मच आई लव जारा के कपड़े, बैग्स एंड शूज, और वो भी अगर डिस्काउंटेड प्राइस में मिले तो क्या कहना. तो जल्दी जल्दी तैयार होके मैं निकल पड़ी साउथ सिटी की ओर, जो कि मेरी फेवरेट मॉल है कोलकाता की. उस दिन मौसम तो बारिशों वाली थी, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी थी, इसलिए हम सब लोग पसीना पसीना हो गए थे. एंड मैंने वेयर किया है मेरी बर्थडे वाली व्हाइट ड्रेस. मैंने इसको एक बार भी बाहर नहीं पहना, इसलिए मुझे बहुत मन था इसको वेयर करने का. एंड रास्ते में बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, इसलिए हम सब लोगों ने खाया टूटी फ्रूटी केक. और बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी. मैंने बालों को अच्छे से स्ट्रेटन किया था, बट पसीने की वजह से बालों की शेप बिल्कुल बिगड़ गई थी. तो हम लोग आ चुके थे साउथ सिटी मॉल. बाय द वे, जारा सिर्फ मेरी फेवरेट नहीं है, मेरी बहन की भी फेवरेट है. सिर्फ जारा के ही ट्राउजर्स उसको अच्छे से फिट आते हैं. और ये रही मेरी क्विक आउटफिट चेक. घर पर जल्दी जल्दी निकलने की वजह से मैं आप लोगों को मेरी आउटफिट दिखाना ही भूल गई थी. नाउ टॉकिंग अबाउट जारा, तो मुझे इस बार की जारा के सेल उतनी भी पसंद नहीं आई. ऐसे बहुत सारे मेरे फेवरेट आइटम्स थे जिसमें सेल नहीं लगी थी, इसलिए मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड भी थी. और मुझे खुद ही नहीं पता कौन सा लेना है कौन सा नहीं. अगर बात करें जारा के एक्सेसरीज की, तो कुछ कुछ ज्वेलरीज मुझे बहुत पसंद आते हैं और कुछ कुछ बिल्कुल भी नहीं. ये बैंगल मुझे बहुत पसंद आया था एंड इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी था, बट इसको ट्राई कैसे करना है यही नहीं पता. ये मुझे फिट आएंगे या नहीं, इसलिए मैंने इसको रख दिया. लास्ट ईयर मुझे जारा के लिजर्ट वाले ज्वेलरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि मेरी फैशन तो उतनी अपग्रेडेड नहीं है. कौन कौन मेरे साथ अग्री है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना. यहाँ पे मैं कुछ पल्स नेकलेसेस देख रही थी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आई. और फिर मुझे दिखी बहुत ही सुंदर सुंदर और प्यारे प्यारे लोफर्स. मुझे बहुत दिन से एक लोफर लेने का मन था, और इसको ट्राई करने से पहले मैंने इसका टैग चेक नहीं किया था. ये वाला लोफर्स बहुत हेवी था और बहुत ज्यादा लूज भी था, तो फिर मैंने दूसरा वाला ट्राई किया एंड दूसरा वाला मेरे पैरों पे अच्छे से फिट भी हो रहा था एंड इट विल लुक सो ब्यूटीफुल. बट इसमें कोई भी सेल नहीं थी एंड लोफर का प्राइस था 5,000 रुपीज, तो फिर मैंने इसको वापस रख दिया. और फिर मैं चल पड़ी कुछ और ड्रेसेस देखने. एंड यहाँ पे ये लाइट ग्रीन ड्रेस बहुत ही छोटी सी थी, बट कैन यू गाइस बिलीव इट, ये साइज मीडियम है, जो कि मेरी बहन को फिट आती है एंड जारा के सिर्फ एक्सेस ही मुझे फिट आते हैं. और फिर मुझे दिखी ये पिंक ड्रेस, जो कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ज्यादा पतला था. बट ये वाला व्हाइट ट्यूब ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने इसको रख लिया. साथ ही साथ मैं और भी कुछ ड्रेसेस देख रही थी. इस बार मुझे एक ब्लैक बॉडीकॉन मिड ड्रेस चाहिए था, बट जैसा मुझे चाहिए था वैसा परफेक्ट मिल नहीं रहा था. आप लोग देख ही सकते हो कितने सारे ब्लैक ड्रेसेस मैंने उठा लिए थे, बट मुझे जैसा चाहिए था वैसा सेटिस्फेक्शन मुझे मिल ही नहीं रहा था. और बाद में पता नहीं क्यों मेरी पसंद फ्लोरल ड्रेसेस पे ही अटक जाती है. ये व्हाइट एंड ब्लैक फ्लोरल ड्रेस इतनी सुंदर थी, तो मुझे लगा आई हैव टू ट्राई दिस. ये ड्रेस मुझ पर लग तो बहुत सुंदर था एंड इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी थी, ऐसा लग रहा था मेरे लिए ही बनी हो. ये थी मिडी ड्रेस, बट हो गई है मैक्सी ड्रेस. इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर ड्रेस थी. नेक्स्ट मैंने ट्राई किया एक और फ्लोरल ड्रेस. पहली बात तो इसकी नेकलाइन बहुत ही डीप है एंड इसकी जो स्लीट है वो बीच में से है, एंड इसको मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, और इसकी वजह से इसकी फिटिंग अच्छी भी नहीं लग रही थी और बैक भी काफी ज्यादा डीप था, तो मैं तो इसको नहीं ले रही.
नेक्स्ट मैंने ट्राई किया ये ऑरेंज बॉडीकॉन ड्रेस। ये ड्रेस बहुत ही सुंदर था, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रही थी, नीचे से ये धोती वाला फिट। मुझे तो ये वाली ड्रेस बहुत वियर्ड लग रही थी इसलिए मैंने नहीं ली। एंड घर आने के बाद एडिट करते टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि शिट यार, ये वाली ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही थी मुझ पर, एंड मैंने इसको क्यों नहीं लिया। मैंने 4-5 बार फिटिंग रूम के चक्कर लगाए क्योंकि इस बार मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहे थे। एंड साथ में मैंने और भी बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई किए थे जो कि मैं वीडियो लेना भूल ही गई बिल्कुल। और फिर मैं चली गई किड सेक्शन एंड बहुत सारे टैंक टॉप्स उठा लाए क्योंकि इस बार मुझे लेडीज सेक्शन से कोई भी टॉप पसंद नहीं आई। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया ये पिंक कलर की फिश कट वाली टॉप जो कि बड़ा क्यूट है, बट इसमें मैंने अपना फाउंडेशन का स्टेन लगा लिया और ऊपर से ये थोड़ा सा सी थ्रू भी था इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट मैंने ट्राई किया एक और पिंक कलर की टॉप, इसकी भी फिटिंग कुछ खास नहीं थी अकॉर्डिंग टू द प्राइस। नेक्स्ट मैंने एक और फ्लोरल टैंक टॉप ट्राई किया था, ये बहुत सुंदर लग रहा था। इसका भी मटेरियल थोड़ा सा सी थ्रू था। ज़ारा के कपड़े बेसिकली सी थ्रू नहीं होते, बट आई डोंट नो किड सेक्शन से सारे कपड़े सी थ्रू थे। बट लास्ट में ये ब्लू वाला टॉप बहुत सुंदर था, इसकी फिटिंग भी अच्छी थी एंड बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं था, लेंथ भी इसका परफेक्ट था और मैंने इसको ले लिया। इसमें मेरा साइज है 10-12 ईयर्स। तो ज़ारा से मेरी शॉपिंग हो गई थी डन। अब सीधा चलते हैं मिनीसो की ओर। मेरा कॉटन पैड खत्म हो गया था और मिनीसो के कॉटन पैड्स बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे सामान चाहिए होते हैं मुझे मिनीसो के क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो अंदर जाते ही मैंने एक बास्केट उठा लिया तो सबसे पहले मुझे पसंद आया था ये मेकअप रिमूविंग टॉवल्स जो कि वॉश करके आप रीयूज भी कर सकते हो। फिर मैंने लिया है एक शैम्पू ब्रश, ये मुझे बहुत दिन से चाहिए था। उसके बाद मुझे स्पूली जैसा कुछ दिखा, वो मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैंने उसको रख दिया। एंड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे डबल साइडेड पॉकेट मिरर भी थे और साथ ही साथ मेरा ब्लोटिंग पेपर भी खत्म हो गया था तो वो भी मैंने ले लिया। मिनीसो के माइक्रोफाइबर टॉवल्स बहुत अच्छे होते हैं, स्किन पे बहुत सॉफ्ट एंड जेंटल होते हैं तो मैं वही यूज करती हूँ, तो मैंने वो भी एक लिया था। फिर यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट हेयर ब्रशेस भी थे और इसी से ही मैंने अपने बालों को कॉम करके देखा कि ये हार्श है या कंफर्टेबल है, बट इससे आई गेस बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है इसलिए मैंने इसको रख दिया। एंड फिर यहाँ पे बहुत सारे हेड बैंड्स थे जो कि मुझे लगता है एकदम बेकार होते हैं, किसी भी काम का नहीं है। खैर मुझे जो चाहिए था मैंने वो सब कुछ ले लिया। शॉपिंग करते करते बहुत ज्यादा थक गई थी एंड भूख भी बहुत लग रही थी इसलिए हम लोगों ने ऑर्डर किया था KFC चिकन फ्राइज एंड कोक। और यहाँ पे मेरी मम्मी पता नहीं किसको देख रही थी, आई थिंक मेरी बहन को ढूंढ रही थी। मुझे एक और चीज खाने का मन था इसलिए मेरी बहन लाने गई थी एंड वो दूर से चल के आ रही थी एंड उसके हाथ में था मेरी फेवरेट चोको जावा चीप फ्लैपचिनो। इस भयंकर गर्मी में आजकल मुझे कोल्ड कॉफी पीना बहुत पसंद आ रहा है। मेरा खाना पीना एंड शॉपिंग दोनों ही अच्छे से हो गई थी एंड आई एम वेरी हैप्पी। हम सब लोग बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे, शाम हो गई थी और हम लोग निकल गए घर की ओर। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई है। इफ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई एम गोना सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।